थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, कि आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार आप डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड की क्या प्रोसेस रहेगी, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल में बीपीटी या फार्मेसी या बीएससी नर्सिंग, किसी भी चीज़ का। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, आपके लिए रेगुलर मैं फ्री में क्यूज करवा रहा हूं स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली आपको क्यूज की लिंक प्रोवाइड करवाता हूं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस की क्यूज के थ्रू, या फिर आंसर आपकी रैंक वगैरह सब वहाँ पे बताई जाती है, आपको कितने नंबर आ रहे हैं सब कुछ बताया जाता है। अगर ये चीज़ें आप चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, कि आपका एडमिट कार्ड किस प्रकार आप डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड की क्या प्रोसेस रहेगी, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल में बीपीटी या फार्मेसी या बीएससी नर्सिंग, किसी भी चीज़ का एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार डाउनलोड करना और कब डाउनलोड होंगे, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर पर एक ऑफर आपके अभी चल रहा है। इस ऑफर को अब हम बढ़ाने वाले हैं। अगर आप सभी लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो मॉडल पेपर। ऐसे शानदार, ज़बरदस्त, जानदार मॉडल पेपर हमने तैयार करे हैं। डायरेक्ट इनमें से 70 से 80% क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले हैं। और जो बंदा अगर अलग से लेना चाहता है ओनली पीसीबी की, चाहे वो इंग्लिश की ले या हिंदी की, अगर पीसीबी की शॉर्ट हैंड बुक ही लेना चाहता है, अगर शॉर्ट हैंड बुक भी आप पढ़ लेते हो तो 60 नंबर आप इनमें से भी कवर कर सकते हो अकेले शॉर्ट हैंड से भी, यानी कि जो आपकी शॉर्ट नोट्स बुकलेट है इससे भी 60 नंबर आप कवर कर सकते हो। अगर अलग से इनको लेना चाहते हो तो 100 रुपये इनकी प्राइस है, आप इनको ले सकते हो अलग से। और मॉडल पेपर के साथ आप पूरा कॉम्बो लेना चाहते हो 201 रुपये आपकी प्राइस है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पूरे के पूरे लीजिए, ठीक है। तो 201 रुपये प्राइस है, फटाफट से आप परचेज कर लीजिए। कैसे परचेज करना है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ले लीजिए। बात करते हैं अब किस प्रकार आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड कहाँ से आएंगे और कब आएंगे। तो अभी एडमिट कार्ड आपके आए नहीं हैं, लेकिन आप सभी की बार बार डिमांड एक ही आ रही थी कि सर हमें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। मेरे पास कॉल भी आ रहा था, मैसेज भी आ रहे थे। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका 23 जुलाई को होने वाला है। इसके अलावा पैरामेडिकल बी फार्मेसी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है वो 16 से 17 जुलाई को होने वाला है। तो इनके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको तीन से चार दिन पहले देखने को मिलेंगे, जो आपका एग्ज़ाम डेट से 3 से 4 दिन पहले देखने को मिलेंगे। यानी कि बीएससी नर्सिंग का जो एडमिट कार्ड है वो 19-20 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो पैरामेडिकल फार्मेसी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इनका एडमिट कार्ड जो है आपको लगभग 12-13 को देखने को मिलने वाला है, 12-13 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। लेकिन डाउनलोड का प्रोसेस क्या रहेगा वो जान लीजिए। जानने से पहले मैं बता दूँ, कुछ स्टूडेंट्स हरामखोर हैं जो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप वहाँ से पढ़े हुए, यहाँ से पढ़े हुए। मैं आपको बता दूँ, मेरा एडमिशन गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज जो कोटा है उसमें हुआ था 21 दिसंबर 2018 को मेरा एडमिशन हो गया था गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कोटा में। आकर देख लेना, यहाँ पर जिस टाइम जिस चैनल का तुम नाम ले रहे हो उस चैनल का अस्तित्व नहीं था इस टाइम पर। जिस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम उस चैनल का अस्तित्व नहीं था। आज मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि मेरा एडमिशन जो अलॉटमेंट लेटर था गवर्नमेंट कॉलेज का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा। लेकिन हमारे नाम को किसी अन्य फालतू चैनल से, किसी भी चैनल से जोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ध्यान रखिए, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा जो मेरे लिए बोल रहे हैं कि आप उस चैनल से पढ़े हुए हो, आपको कुछ नहीं पढ़ाना आता। तो मैं कृपया करके आपको बता दूँ कि जिस चैनल का अस्तित्व नहीं था जिस टाइम पर, जिस चैनल पर जो राजस्थान जी के पढ़ाया करता था जो चैनल, उस चैनल से पहले मैं बीएससी नर्सिंग का 2 साल कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और 2019 में मैंने 25 जुलाई 2019 को यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर दी गई थी। मैंने उस चैनल का हिस्ट्री आपको बता नहीं सकता। मैंने देखा था कि वो ना 16 मई के आसपास की बात है, 16 जुलाई के आसपास की बात है 2020 में, वो राजस्थान जीके पढ़ा रहा था। जिस बंदे की आप बात कर रहे हो वो राजस्थान जीके पढ़ा रहा था और बीएससी नर्सिंग करवा रहा, ये क्या मतलब होता है। पहले शुरू से बीएससी नर्सिंग को ही अपना मेन मुद्दों बनाता ना, वो वहाँ पे उसको नहीं चली तो इस जगह से बीएससी नर्सिंग वालों को पागल बनाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी नाम मैं नहीं लूँगा। बात करते हैं अब अपन एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपको किस प्रकार डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आरएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ आने के बाद एडमिशन वाले सेक्शंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो भी कोर्सेज आपका हो, चाहे पैरामेडिकल हो, फार्मेसी हो, बीपीटी हो, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, या ओनली बीएससी नर्सिंग हो, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है।
जैसे मैं मान लो मैं सबसे पहले आपको पोस्ट बेसिक का दिखाता हूँ। पोस्ट बेसिक पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपको ये चार ऑप्शंस नज़र आ तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक और नया ऑप्शन नज़र आ जाएगा एडमिट कार्ड का। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, लगभग 12 या 13 को आपका एडमिट कार्ड आपको शो होने लग जाएगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यू डेज़ पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज करा जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपका एग्जाम जयपुर होने वाला है। तो टिकट अगर आप सबने करवा ली होगी डेट के अकॉर्डिंग, बीएस नर्सिंग का भी इसी प्रकार सीन है, आपका एग्ज़ाम 19-20 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा आरएचएस की तरफ से। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आप रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, बाकी हम अपडेट देने के लिए हैं से ही, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन है, यहाँ पर ही आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन न्यू ऑप्शन शो होने लग जाएगा। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज आरएचएस के द्वारा करा जाएगा तभी आएगा, लेकिन अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि एडमिट कार्ड अभी रिलीज नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो भाई अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, जिसने फॉर्म भरा है सबका एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से इसी प्रकार देखो सभी का देख लेते हैं। बीपीटी का भी अभी यहाँ पर कहाँ पे कितने यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन से, तो यहाँ पर इस साइड पे कुछ नहीं आएगा, इस साइड पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर केवल नोटिफिकेशन ही रिलीज करता है आरएचएस। इसी जगह आएगा रिजल्ट भी, यहीं आएगा एडमिट कार्ड भी, यहीं आएगा काउंसलिंग की प्रोसेस भी, यहीं स्टार्ट होगी, सारी की सारी यहाँ मिलेगी। तो यहाँ ऊपर ऊपर आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन या नीचे की साइड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे एडमिट कार्ड। देखो ये तो किसका हो गया, देखो अब आ गए बी फार्मेसी पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो लॉगिन करने का प्रिंट का पेज है, इस प्रकार जो पेज आता है आपको डिटेल्स फिल करनी रहेगी, आपके फॉर्म नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ अगर आप जैसे फिलअप करते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर से ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएगा, लेकिन बीएससी नर्सिंग में आपको कोई भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट पासवर्ड आप एप्लीकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालने हैं और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सबमिट करोगे फिल सिंपली तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं दिया है एप्लीकेशन वाले फॉर्म के, यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगी कमेंट करके बताना, मॉडल पेपर ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाले, 70 से 80% आप खुद स्कोर उनमें से करोगे। पिछले 3 साल से 2020-21 बैच भी पूरा पता है, उस बैच से पूछ लेना किस प्रकार हम तैयारी करवाई थी हमने उन बैच को, और 2021-22 बैच भी हमने पूरी तैयारी करवाई थी। ये दोनों बैच में आप जाकर पता कर सकते हो स्टडी विद देव की टीम से किस प्रकार पढ़े थे। मैं अकेला पढ़ाता था, अब तो फिर भी हम तीन लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पहले हम अकेला पढ़ाता था मैं, तो इस चीज़ को आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टडी विद देव क्या चीज़ है। बस बात ये है कि सब्सक्राइबर की तुम बात कर रहे हो ना, सब्सक्राइबर के लिए बहुत बड़ा फैक्टर्स है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा सब्सक्राइबर्स का क्या फैक्टर। सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर ये हो जाता है कि खुद मैं स्टूडेंट हूँ और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है। और जिनकी बात आप कर रहे हो वो बहुत उनकी एज्ड इंसान है, तो इस वजह से मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एज्ड इंसान है तो उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है, एज का एक्सपीरियंस का इफेक्ट पड़ता है, कहीं कोचिंग कहीं स्कूल एट कहीं भी पढ़ाए होंगे उनको, तो उनके एज का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर यही है जिस वजह से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाए। दूसरा कि हमारे पास कोई भी सजा धजा प्लेटफॉर्म नहीं है, केवल और केवल एक मोबाइल स्क्रीन है, इसी के तहत हम आपको पढ़ा पाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप जहाँ पढ़ो मर्जी पढ़ो, वहाँ पढ़ो, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो आप जो मर्जी पढ़े वो करो, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना होगा तो बेटर हो, बस बात, ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर।